क्योंकि आज रामनवमी है। मैं शाम को पहुंच गई 5:30 के समय में भुवनेश्वर के रामकृष्ण मिशन में, क्यों वहाँ मैं इनिशिएटेड हूँ, मतलब वहाँ से मैं दीक्षा ली है। तो वहाँ का जो स्वामी जी है वो तो सहस्रार में ध्यान करते समय बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए हैं, बिल्कुल ध्यान में मग्न है। और सामने राम जी की फ़ोटो रखी गई है, वहीं पर पूजा चढ़ाया जाता है। उन्होंने स्वामी जी ने पुष्पांजलि दी है और फिर नमस्ते कर रहे हैं, श्री राम जी को नमस्ते कर रहे हैं। फिर आरती हुई बहुत समय तक, बहुत सुंदर आरती होता है श्री राम जी की। और फिर हमने सब आरती लिया है, हम लोग को बांटा गया है। फिर शुरू हुई राम कथा पाठ शुरू हुई है, हम भी उसमें योगदान दिए हैं। और यह है श्री राम जी की फ़ोटो, वहीं पर पूजा चढ़ाया जाता है। अब ठाकुर जी का सोने के समय हो रहा है तो उनका सब ड्रेस वगैरह चेंज करा जा रहा है। और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद मैं निकल गई आश्रम में। आश्रम के माहौल बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सुकून भरी। और मतलब यहाँ आने से ध्यान करना नहीं पड़ता, बस ध्यान हो जाता है, मन पूरा शांत हो जाता है। कितनी सुंदर है वातावरण, देखिए, कोई भी तामझाम नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, बस अपने में रहना। मतलब ऐसे समझो कि बस राम जी के हाथ पकड़ के चल रहे हैं थोड़ी दूर। और फिर मैं निकल पड़ी आश्रम से। ये तो था योग का माहौल। और बाहर मैं निकल रही हूँ, चारों तरफ बहुत ही सुंदर लाइट लगाया गया है। और यहाँ पर दूर में दिख रहा है वो तो बुद्ध देव की मूर्त है, बहुत सुंदर शांत सी मूर्त। और हाँ, मैं दूर से दिखा रही हूँ तो शायद ठीक से नहीं दिख रहा है। और फिर ये है ऑडिटोरियम हॉल, मिशन की ऑडिटोरियम हॉल है। यहाँ पर सारे फंक्शंस होते हैं और सारे फंक्शंस यहीं पर होते हैं। और फिर ये गेट के पास बहुत ही सुंदर लगाया गया है हाथी का, दो हाथी का मूर्त दो तरफ लगाया गया है, क्योंकि हाथी शक्ति का प्रतीक होता है। तो फिर मैं चल पड़ी योग के दुनिया से निकल के, ये रहा आपका भोग का दुनिया संसार में, योग से आ गई संसार में, योग की दुनिया से संसार की दुनिया में पैर रख दी। बस रखते ही शोर शराबा हो हल्ला जुट गया, बस कान जैसे फट रहा हो, फिर भी यही है दुनिया। और थोड़ी देर चलने के बाद मैं आंखों के सामने एक एक्सीडेंट देखी, पर राम जी की शुक्र है बोलो कि कुछ हुआ नहीं। जिस आदमी स्कूटर से आके धक्का लगाया तो उसको कुछ हुआ नहीं, पर लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि फोर व्हीलर है तो कुछ तो गुस्से उतारेंगे उसके ऊपर, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं यहाँ पर वीडियो नहीं कर सकती हूँ खड़ा होकर कि माहौल ठीक नहीं है, मैं आगे जा रही हूँ इसीलिए। और सारे पुजारी भी निकल के आ गए, शायद उन्हीं का कोई आदमी होगा जिसको धक्का दिया है कार ने। और लेकिन कुछ हुआ नहीं है, मुझे मालूम है, मैंने खुद देखी है और कुछ हुआ नहीं है, बस गिर गया वो आदमी। चलो पीछे के चक्के से धक्का हुआ तो कुछ हुआ नहीं। और मैं आगे निकल पड़ी।